चाहे अपनी पेंशन भी कर दी उन लोगों के लिए कि रिटायरमेंट के बाद में काफ़ी तकलीफ में रहते थे मीडिया वाले, वो पेंशन का व्यवस्था हम लोगों ने करी और विज्ञापन बड़े रूप में देखे। आज भी लोग याद करते हैं कि हमें अच्छे खासी संख्या विज्ञापन मिलते थे, इस रूप में हमने उस पर ध्यान रखा। और ये जो सरकार बनने के बाद में वो सब बंद भी हो गए। एक मैंने खुद ने चला के बिना कोई मीडिया वालों के मांगे हुए एक फंक्शन में गया था, तो मैंने कहा पत्रकार साहित्यकार कल्याण कोष ये मैंने खुद ने इनिशिएटिव लेकर के, ये तो कोई मांगे है और आप उनकी मांगों पर विचार विमर्श करो और फिर तय करो, वो नहीं हुआ था। मैंने खुद ने मेरी भावना जो रही बचपन से ही मीडिया के साथ में, जो लेखक हैं पत्रकार हैं साहित्यकार हैं उसका अपना एक अलग महत्व है देश के लिए, समाज के लिए, आम लोगों के लिए। अच्छी हो गया तो अच्छा पूरी जिंदगी में ये महसूस करने में गर्व महसूस हुआ हो कि जब से राजनीति शुरू करी तब से ही पैसों के साथ में संबंध इनफॉर्मल रहे। राजनीति जीवन मेरा है, मेरा भी साल ज़्यादा हो गए और चाय के संबंध में है, और चाय भी जोड़ने में फिर कभी बार कभी कभी पत्रकार फिर आ जाती है, कहना मैंने ये संबंध रख करके भी अच्छे संबंध हो सकते हैं। जो मैं बात कहना चाहता हूँ आपको कि भ्रम लोगों को कि पत्रकारों को आपको एक खुश रखने के लिए आपको चाय से हटके भी काम करना पड़ता है, चाय के साथ में बातचीत से भी आपका काम चल सकता है। मेरा काम आज तक मेरी पूरी राजनीतिक लाइफ में 45, 46, 47 से ज़्यादा साल हो गए होंगे कोई संबंध आदमी का, और मेरी बात घर भी है कि मीडिया वालों ने मुझसे मेरे रिश्ता वही निभाया है, चाहे मैं सत्ता में रहूँ या नहीं रहा उन्होंने कमी नहीं रखी संबंध रखने के अंदर। बाकी मजबूरी होती है मालिकों की, आपकी मजबूरी तो आप खुद ही मालिक बैठे उसके लिए आपको अलग की तकलीफ नहीं, पर हाँ जब कभी आप कहोगे तो बड़ी खुशी होगी कि मैं कहीं आके आप चाय पीऊँ कोई दिक्कत नहीं है, या मैं बोलूँगा आपको जब भी आप कहोगे मैं बुला लूँगा आपको, और जब भी 2-4 महीने आना होता है तो मैं चाहूँगा कि आपको जरूर मिले, मेरा कोई बात हो सुना हो आप भविष्य दे सकते हैं मुझे खुशी होगी। राजस्थान भवन के बारे में बात करी, राजस्थान भवन उस वक्त में पूरा बना नहीं बना एक लंबी कहानी है, पर बाद में दुखद है कि दुख इस बात का है कि नहीं गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, अब वापस हम लोग उसमें जान देंगे, वो जो आधा काम बच गया है उसको पूरा करना है। ये बात मैं कहना और कोई कहना ही बस उसको खुलो तो साहब एक एक धन्यवाद जय हिंद। दिनेश सर जी सुरेश जी कैलेंडर कैलेंडर भी उसमें शहीद हुए, हालांकि हम 44 लोगों की बात करते हैं लेकिन राजस्थान की भी वीर वहां पे सपूत राजस्थान के वीर सपूत, राजस्थान वीर सपूत ने इतिहास बनाया है, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए कश्मीर हो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, जब कभी आतंकवाद की घटना हुई है तो राजस्थान के शहीदों का इतिहास सबको मालूम है कि इतिहास बलिदान का इतिहास रहा है। अभी कश्मीर की घटना बहुत दुखद घटना हुई है, जितनी निंदा करें उतनी कम है, हमारे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में निंदा करें, क्योंकि ये जो हमले हैं आतंकवादियों के ये कायरतापूर्ण हमले हैं और पूरे देशवासी दुखी और व्यथित हुए हैं, एक स्वर में निंदा की है और पूरे देश में जज्बा है
कि किसी भी कीमत पर इनके मंसूबों को हम पूरा नहीं होने देंगे। वही जज्बा पूरे देशवासियों में है, वही हमारी ताकत है। मैं उनको सलाम करता हूँ, उनके परिवार वालों को दुख की घड़ी में सांत्वना दे रहे हैं। हम लोग सब मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। सर, और भारत सरकार को भी चाहिए कि वो पूरी तरह एक प्रकार से जो कमियाँ रहती है, जो सामने आती है, मीडिया के अंदर भी आई है कि पहले से आगाह किया गया था, उसके बावजूद भी थोड़ी लापरवाही भी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि छोटी सी चूक जो है, छोटी सी भूल बड़ा हादसा कर सकती है। वो एक ये देखने को मिला, सुनने को मिला, पढ़ने को मिला। ये नौबत नहीं आए, पूरे राज्यों में अलर्ट भी रहे, क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाहर आने वाले नहीं हैं। बरसों से हम देख चुके हैं किस प्रकार से ये बम्बई भी गवाह है इसका, कि राज्य गवाह है देश के अंदर, कश्मीर गवाह है, पंजाब गवाह है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद जो है मुस्तैद रहें, और पूरा मुल्क ऐसे मामलों में पक्ष या विपक्ष कुछ नहीं होता है, पक्ष विपक्ष मिलकर के एकजुट हैं। वही राहुल गांधी जी हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट, उन्होंने बात कही है कैसे वक्त में हम लोग सब एकजुट हैं, पूरा मुल्क एकजुट है। सर, एक सवाल होता है कि प्रदेश में इस वक्त कश्मीरी स्टूडेंट्स को लेकर काफ़ी आउटरीच, और हमने राजस्थान के अंदर भी जो है कल फैसला जो किया है उसमें हम लोगों ने जो पैकेज दिया हमने कारगिल के वक्त में, उसको और बढ़ा दिया है पैकेज को। अब 50 लाख रुपए मिलेंगे, या फिर वो अगर वो हाउसिंग